सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। गुनू जी सीताबाई से बोलते हैं कितना सब कुछ हो गया, लेकिन सुबेदारी की व्यवस्था सिर्फ मालदराव के लिए आए हैं। और तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीताबाई रोते हुए द्वारका भाई से बोलते हैं कि आई मत जाइए ना हमें छोड़कर, आपका साथी होने जाना जरूरी है क्या, मत जाइए आई हमें छोड़कर। तो द्वारका भाई बोलते हैं कि चुप हो जाओ सीता, और देखो सीता मल्लारो सरकार के जाने के बाद मेरे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा, इसलिए इस दुनिया से जाना तो मेरा तय है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, इस वाड़ी ने हमेशा मुझे दूसरा दर्जा दिया है, उस दूसरे दर्जे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और जावेद साहब, मैं आपसे एक उम्मीद रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मालवा के सूबेदार बने इस जीवन में, ना सही मेरे जाने के बाद मैं जिस रूप में भी रहूँ, मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आपकी जीत हो। और इसके बाद प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, गुरु जी सीताबाई से बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सीता बोलते हैं कि तो अब हम क्या करेंगे। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या मालेराव के कक्ष में आती है और बोलते हैं कि चलो मालेराव, पेशवा से सूबेदारी के वस्त्र आ गए हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक स्वीकार करो, चलो आओ। लेकिन मालेराव कुछ नहीं बोलता, तो अहिल्या बोलते हैं कि मालेराव ये जिम्मेदारी का काम है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आजूबा और राजी साहब से आशीर्वाद लेकर ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाओ और समय के पृष्ठ पर अपनी छाप छोड़ो। लेकिन मालेराव फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो अहिल्या बोलते हैं कि मालेराव तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे तो पेशवा दरबार में गलत संदेश पहुंचेगा और मालवा की सूबेदारी के लिए। तो मालेराव बोलता है कि मालवा की सूबेदारी हमारी है और अब मालवा भी हमारा है, आप इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। और इतना कहकर मालेराव वहां से चला जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है गुनू जी राघोबा से बोलते हैं कि मल्लारो सरकार के जाने के बाद मालवा की दौलत बेमतलब सी हो गई है, एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ मालेराव की मनमानी, और तुको जी भी मुहिम पर गए हैं और मालवा के सैनिकों की ताकत भी ना के बराबर है, इससे सुनहरा मौका हम लोगों को नहीं मिल सकता मालवा को अपने कब्जे में करने का। और इसके बाद दिखाया जाता है पंडित जी मालेराव की आरती उतारते हैं और बोलते हैं कि अब नए सूबेदार की पत्नी पूजा के लिए आ गया है। और तब यहाँ पर मैना बजाती है और मालेराव की आरती उतारती है और मालेराव को तलवार देती है, और तभी सभी लोग मालेराव की जय जयकार करने लगते हैं। और तभी पंडित जी मालेराव से बोलते हैं कि अब जाइए, अपनी आई साहब से आशीर्वाद लेकर राजगद्दी पर विराजमान हो जाइए। लेकिन मालेराव अहिल्या से बिना आशीर्वाद लिए राजगद्दी पर जाकर बैठ जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है गुरु जी राघोबा से बोलते हैं हो गया मालेराव का राजाभिषेक, निकल गई राजगद्दी हमारे हाथ से। तो राघोबा बोलते हैं कि गुरु जी सफलता प्राप्त करने का मौका अभी हमारे हाथ से नहीं गया है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। तो गुरु जी बोलते हैं कि अच्छा, अब और क्या बिगड़ना बाकी है श्रीमंत, सारी शक्तियां तो उस मालेराव के हाथ में है, वो जब चाहे उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है इस वक्त। तो राघोबा बोलते हैं कि बेशक सारी शक्तियां मालेराव के हाथ में चली गई हैं, लेकिन इसमें हमारा फायदा तो है, क्योंकि मालेराव की सारी शक्तियां तो मालवा के विरुद्ध इस्तेमाल करने में लगेगी, और ये तो आप भी बलिवती जानते हैं, बस आप उनकी सोच को बढ़ावा देते रहिए, आखिर यही तो राजनीति है। तो गुरु जी बोलते हैं कि बस श्रीमंत, बस बहुत दे दिया आपने राजनीति का ज्ञान, अब हमारा ज्ञान सुनिए, हमें जल्द से जल्द मालवा पर आक्रमण करना होगा और इसी में हम दोनों की जीत है। तो राघोबा बोलते हैं कि ठीक है, हम सहमत है आपसे, तो बताइए क्या नीति आपकी। तो गुरु जी बोलते हैं कि ये देखिए, यह मालवा के वाड़े का मानचित्र। और फिर एक एक करके गुरु जी राघोबा को अपनी सारी योजना बताते हैं। तो राघोबा बोलते हैं कि ठीक है, परसों होते हैं, मालवा को चारों ओर से घेर लेंगे और फिर होगा आक्रमण। और इसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है, अहिल्या मंदिर में पूजा कर रही होती है, लेकिन तब यहाँ पर गंगोबा आते हैं और बोलते हैं कि छोटी रानी आपको अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि क्या हो गया गंगोबा काका। तो गंगोबा बोलते हैं कि छोटी रानी मालवा की एकता और अस्तित्व दोनों खतरे में है। और इसके बाद दिखाया जाता है मालेराव सरदारों को मालवा का चित्र दिखाता है और बोलता है कि हमने मालवा के 10 हिस्से कर दिए और अब इस हिस्से की जिम्मेदारी आप दोनों को दी जाती है, इसके हिस्से का वितरण आप दोनों करेंगे और यहाँ के नियम अनुशासन भी आप लोग ही तय करेंगे, योजनाएं भी आप लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, जब इतनी छूट मिल रही है तो हर महीने मालवा की राजगद्दी को राशि प्रदान करनी होगी, कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे ये हम नहीं जानते, और हाँ, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो वो सरदार बोलता है कि जैसा आपने आदेश दिया सरकार वैसा ही होगा, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं जो आपने इस काम के लिए हमें चुना है, हम इस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करेंगे। तो मालेराव बोलता है कि ठीक है, और इसलिए हमने 10 दस्तावेज तैयार किए हैं जिस पर हम अभी मोहर लगाएंगे और इसे तत्काल रूप से लागू करेंगे। और तभी मालेराव उन पर मोहर लगाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर अहिल्या आती है और बोलते है कि रुक जाओ मालेराव। तो अहिल्या को देखकर मालेराव वहीं रुक जाता है। तो अहिल्या बोलते है कि तुम मालवा के टुकड़े कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मालेराव। तो मालेराव बोलता है कि ऐसे भी शायद आप बोल रहे हैं कि अब हम कुमार मालेराव नहीं सूबेदार बन गए हैं, सूबेदार मालेराव होलकर, तो अब हमें आपकी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ पर मालवा के विकास के लिए जरूरी बैठक चल रही है। तो अहिल्या बोलते हैं कि ये मालवा का विकास नहीं है, ये मालवा का विनाश है, जिस मालवा को तुम्हारे पूर्वजों ने तिनका तिनका करके बनाया था तुम उस राज्य के टुकड़े करने जा रहे हो। तो मालेराव बोलते हैं कि हमारे काम करने का तरीका है, हमारी सहूलियत के लिए करें हम ये करके मालवा शासन और मजबूत बनाएंगे, और आप भी तो मालवा में प्रांत के मुताबिक प्रशासक नियुक्त करती हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि प्रशासक नियुक्त करती हूँ, मालिक नहीं बनाती हूँ किसी को, और वो प्रशासक मालवा की गद्दी का सेवक होता है, मालवा के कानून के मुताबिक अपना कामकाज करता है और हम उसे वेतन देते हैं मालेराव, और तुम ये जो कर रहे हो ना वो नहीं हो सकता, मालवा के टुकड़े नहीं हो सकते, तुम जानते भी नहीं हो इसका क्या परिणाम होगा।
ऐसा करने से एक राज्य के अलग अलग राजा बन जाएंगे। तो मादरा बोलता है कि जो भी हो ये हमारी नीति है, हम किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, हम राजा हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि लेकिन अब भी मालवा की सुरक्षा का जिम्मा मेरे पास है और इन सब मामलों में वही होगा जो मैं कहूंगी, और ये बंटवारा नहीं होगा मालराव। और तभी मालराव गुस्से से अपने कक्ष में चला जाता है और चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। और तभी दिखाया जाता है वहां पर गुरु जी आते हैं और बोलते हैं कि महाराज मालराव होलकर की जय हो। तो मालराव बोलता है कि सही है काका साहब, आप भी हमारा मजाक उड़ा लीजिए, वैसे भी हम तो कहने के लिए राजा हैं, सामान्य व्यक्तियों जितना भी अधिकार नहीं है हमारे पास, सब कुछ शाही साहब की मर्जी से चलता है। और तभी गुरु जी अपनी गिटार निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि कोई कुछ भी गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम मालवा के वफादार हैं, मालवा के राजा के प्रति वफादार, और ये असर तभी उठेगा जब आप इसकी अनुमति देंगे। और तभी गुरु जी खंजर से अपना हाथ काट लेते हैं और बोलते हैं कि ये खून की धार तभी रुकेगी जब आप इसे अपनी सेवा में बहने के लिए इजाजत देंगे। और तभी मालराव गुरु जी के हाथ पर कपड़ा बांधता है और बोलता है कि काका साहब, सिर्फ आपका हमारे साथ होने से कुछ नहीं होगा, हमें सबका साथ चाहिए, हमारे परिवार का और पूरे मालवा का, और सबसे पहले आई साहब को हमें राजा समझना होगा। तो गुरु जी बोलते हैं कि सब होगा सरकार, बस आप सब्र कीजिए, लेकिन हाँ हमारी एक बात ध्यान रखिए, राजा को आराम की आवश्यकता होती है और आराम आनंद में मिलता है, और आनंद उस समय होता है क्योंकि आप अभी भी राजा बने हैं, तो आपको तो उत्सव मनाना चाहिए, 3 दिन का उत्सव मनाया जाए, सारे काम बाद में देख लिए जाएंगे, पहले हम आपके राजा होने की खुशी को महसूस करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और तभी गुरु जी मादरा को मदिरा का जग देते हैं और बोलते हैं कि ये आपके लिए खास मंगवाई गई है, और इतना नहीं आपके लिए नृत्य भी बुलाई गई है। और तभी गुरु जी सोचते हैं कि हम जानते हैं मादरा तुम्हारी कमजोरी क्या है। और इसके बाद क्या है, एक सैनिक अहिल्या के पास आता है और बोलता है कि छोटी रानी, गुप्तचरों से पता चला है कि श्रीमंत राघवा मालवा पर हमला बोलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा मादरा मदिरा के नशे में होता है। और तभी अहिल्या मालरा से बोलते हैं कि चलो मालरा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो मालरा बोलता है कि नहीं आई साहब, हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे। और तभी मालरा बात करते करते ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।